हे गाइस, ढोकला बनाने के लिए लेना है हमें एक पतीला जो थोड़ा बिग साइज का हो, और एक कटोरी लेना है जिसमें हम मेज़र करेंगे 2 कटोरी चावल का आटा और 1 कटोरी बेसन का आटा। एक और दूसरा भी मैं डाल दी हूँ। फिर हमें लेना है बेसन, इनको आपस में पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने आपस में दोनों आटे को मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालते हैं पानी। पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से तैयार हो चुका है और इसी तरह रहना चाहिए। इसको आप फेंटते रहिए अच्छे से। ये हो गया पूरे से तरीके से तैयार। अब हम इसमें एक प्लेट लेकर ढक देते हैं अच्छे से। ढकने के बाद इसे ओवरनाइट रखना है और सुबह ढोकला बनाना है। तो अब इसे ओवरनाइट हम रख चलिए देते अब देखते हैं। ये ओवरनाइट मैं रख चुकी हूँ। तो ये रहा मेरा घोल जो मैंने तैयार किया था। इसमें ज़्यादा फूला नहीं, क्योंकि ठंडी के मौसम में ज़्यादा फूल नहीं पाता, बट ये ऑलमोस्ट हो जाता है। और हमारे पास अगर इनो हो तो हमें किसी बात का टेंशन लेने का ज़रूरत भी नहीं है। मैंने ले लिया इनो और यहाँ पे लहसुन और मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया है। इससे ढोकले का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और मैंने थोड़ा ऑयल ले लिया है, ये दही है, ये सोडा है और नमक, और इसमें थोड़ा येल्लोनेस के लिए हम एक चुटकी हल्दी डाल देंगे। घोल तैयार करने से पहले हम स्टीम की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई लिया और कढ़ाई में लगभग 1.5 गिलास पानी ले लिया है। अब 1.5 गिलास पानी लिया और एक मैंने थाली ले लिया जिसमें मुझे ढोकला बनाना है। तो थाली थोड़ा डीप लीजिएगा ताकि ढोकला फूल पाए। अब इस थाली में थोड़ा सा तेल लगा दीजिए। ये मैंने तेल ले लिया और इसे चारों तरफ हाथों से फैला दूंगी। अब इस कढ़ाई को स्टीम में चढ़ाने से पहले एक ढकना ले लें जिससे हम ढक पाएँ, तभी स्टीम अच्छे से हो पाएगा। और इसे गैस में चढ़ा देते हैं और यहाँ पे हम घोल की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम ये लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल देते हैं। अब हम नमक डाल देते हैं। हल्दी थोड़ी सी लेनी है, ज़्यादा येलो नहीं करना है, तो लगभग आधा चम्मच हल्दी और साथ में 2 चम्मच तेल। तेल होने से ये सॉफ्ट बनता है काफ़ी और बहुत अच्छा रहता है, खाने में भी एक अच्छा टेस्ट देता है। अब आया दही, तो ये हम दही डाल रहे हैं और दही की क्वांटिटी अच्छी डालनी है आपको। अब ये सब चीज़ डल चुकी है, अब इसे हाथों से फेंट लें। ढोकला बनाते टाइम एक चीज़ याद रखना है, हमेशा एक ही दिशा में फेंटिए इसको, और काफ़ी जितना अच्छा फेंटेंगे उतना अच्छा आपका ढोकला बनेगा। और ये देखिए ढोकले की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा। अब यहाँ पर मैं आपको ध्यान देने वाली बात बता रही हूँ, सोडा और जो इनो है हमें लास्ट में ही डालना है, क्योंकि इसे पहले डालने से आपका जो बुलबुला है वो बैठ जाएगा, जो झाग है वो बैठ जाएगा, तो ढोकला अच्छे से नहीं फूलता। आपको इनो डालते ही तुरंत प्लेट में रखना है और उसे स्टीम में चढ़ा देना है। तो ये रहा मैंने सोडा डाला और ये रहा बेकिंग, सॉरी इनो, इनो डाल दिया। अब तुरंत पेट के हमें प्लेट में डालना है। अब ये मैं प्लेट में डाल चुकी हूँ, अब इसे कढ़ाई पे चढ़ाती हूँ। देखिए उबाल आ चुका है, ये कढ़ाई में चढ़ गया, अब इसे ढक देना है। मैंने पूरे अच्छे तरीके से इसे ढक दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, 5 मिनट आपको हाई फ्लेम पे रखना है, फिर आप बाकी मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए और 15 से 20 मिनट हो में चुका है। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन है ढोकले की। ओहो, ये बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका है देखिए। तो अब मैं इस गैस को बंद करती हूँ क्योंकि ये आप तैयार ये है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से फूल चुका है, ये देखिए।
ये और मैंने थोड़ा सा घोल और एक्स्ट्रा बनाया है, ये भी बहुत अच्छा फूला है। तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं, देन इसकी कटिंग करके इसे फ्राई। हमारा ढोकला पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, अब चाकू की मदद से मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितना बेहतरीन बना हुआ है, काफ़ी अच्छे से स्पंजी हुआ है। हमारा तेल गरम हो चुका है, सबसे पहले इसमें डालते हैं हम सरसों। सरसों कड़कने लग गया, अभी इसमें डालते हैं मीठा पत्ती। मीठा पत्ती थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद हम डालते हैं मिर्ची। मिर्ची अच्छे से तड़कने लग गया, अब प्याज डालते हैं। अब इन सभी को गोल्डन ब्राउन होते तक हम सेकते हैं। गाइस मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, कभी भी हम ढोकला बनाते हैं तो ये जालीदार कुछ होनी चाहिए। सही माने में तभी आपका ढोकला सही ढंग से बना है ये मान सकते हैं। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, स्पंजी बनता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये ज़्यादातर इनो डालने पे ऐसा होता है, इनो के साथ अगर आप बनाएं ढोकला तो डेफिनेटली आपका स्पंजी और सॉफ्टी बनेगा। हमारा तड़का ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, इसे एकदम ज़्यादा ही ब्राउन नहीं करना है, एक्चुअली इसमें थोड़ा कच्चापन रहना चाहिए। एक कच्चापन क्या, एक मिठास आता है, जो प्याज की मिठास रहती है वो काफ़ी अच्छी लगती है, तो इस कच्चेपन से एक मिठास आता है। तो अब आप जो ढोकला हमारा तैयार है उसे डाल देते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हाँ, ढोकले में फ्राई करते हैं हम, तेल की क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो और भी बहुत अच्छा फ्लेवर निखर के आता है। तो आप हमेशा ढोकले में तेल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिए, वो ऑटोमेटिकली बाद में आपका जो ऑयल रहता है उसको सोख लेता है ढोकला। मैं ढोकला की तब तक सेकाई करती हूँ जब तक इस तरीके का एक रेडनेस, एक ब्राउननेस ना आ जाए। ये आने से थोड़ा क्रंचीनेस आता है और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से। ये देखिए, मुझे ऐसा थोड़ा ज़्यादा जलाना पसंद है, कभी आप जला के देखिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है। मैं जैसा ब्राउन करना चाहती थी ऑलमोस्ट मुझे मिल गया है। अब मैं इसे धनिया डालकर ढक दूंगी, गैस ऑफ कर देती हूँ। तो ये हो गया तैयार हमारा ढोकला फ्राई। तो ये रही, हमने सर्व कर लिया एक बहुत खूबसूरत ढंग से अपनी प्लेट। ये हमारी इमली की चटनी है, ये हमारी टमाटर की चटनी है। इमली की जो चटनी है वो मीठी चटनी है, ठीक है। ये ढोकला है जो काफ़ी खूबसूरत है, दिखने में इतनी खूबसूरत लग रही है तो खाने में कितनी लगेगी। तो लेट्स से ट्राई करते हैं, मुझे ये बेहद पसंद है। सो यमी, सो यमी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, भूलिएगा मत। सब्सक्राइब आपको करना है, बिल्कुल भूलिएगा मत, तभी आप हमारा नेक्स्ट बेहतरीन अमेजिंग वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू।